क्या भारत दुनिया को लीड कर सकता है, विश्व गुरु बन सकता है? एक साल के लिए भारत G20 यानी दुनिया के सबसे पावरफुल 20 देशों के ग्रुप का प्रेसिडेंट, और पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है। चलिए एक आसान भाषा में समझते हैं कि ये G20 है क्या और अगला साल हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों होने वाला है। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज इसे एंड तक देखिए और ये फैक्ट्स और लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए। चैप्टर 1, सबसे पहले जानते हैं कि ये G20 है क्या। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20। G20 दुनिया के 20 ऐसे देशों का ग्रुप है जो दुनिया के 60% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये 20 देश दुनिया का 75% ट्रेड करते हैं और दुनिया का 85% GDP इन्हीं देशों के पास है। राइट नाउ G20 में ये सारे देश हैं। आप वीडियो पॉज करके देशों के नाम पढ़ सकते हैं। दिसंबर 2022 से लेकर एक साल के लिए भारत G20 का प्रेसिडेंट होने वाला है। ये प्रेसिडेंसी मेंबर्स के बीच हर साल रोटेट होती है। G20 का एजेंडा चलाने की जिम्मेदारी 3 देशों की होती है, पास्ट प्रेसिडेंट जो था इंडोनेशिया, करंट प्रेसिडेंट जो है भारत, और फ्यूचर प्रेसिडेंट जो होने वाला है ब्राजील। समझते हैं कि दुनिया को G20 की जरूरत क्यों महसूस हुई। G20 के पहले इन देशों का एक और ग्रुप हुआ करता था जिसे G7 कहते थे। इनमें मेजरली डेवलप्ड देशों का नाम है। लेकिन हुआ ये कि वेस्टर्न देश सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं, सिर्फ अपनी इकोनॉमी को समझते हैं, और एक ग्लोबलाइज दुनिया में दुनिया की एक कोने में होने वाली चीज दुनिया के दूसरे कोने में भी इफेक्ट करती है। एग्जाम्पल के तौर पर 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस लेते हैं, जो हुआ तो अमेरिका में था लेकिन रिसेशन पूरी दुनिया में आया। 1997 में साउथ ईस्ट एशिया में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था जिसकी शुरुआत थाईलैंड में हुई और फिर वो पूरे एशिया में फैल गया। तो 1999 में G7 की तरह G20 भी एस्टेब्लिश हुआ, क्योंकि इन G7 के देशों ने जाना कि और देशों का कोऑपरेशन भी जरूरी है। लेकिन वर्ल्ड लीडर्स ने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ही इसे सीरियसली लेना स्टार्ट किया। उसके बाद ये सारे लीडर्स सीरियसली मिलने लगे और प्रोडक्टिव डिस्कशंस करने लगे। चैप्टर 2, G20 काम कैसे करता है। G20 के दो मेन टास्क या फिर दो ट्रैक्स होते हैं, द फाइनेंशियल ट्रैक एंड शेरपा ट्रैक। अगर आप कभी माउंटेन्स में गए हैं तो वहाँ आपको गाइड करने के लिए शेरपास होते हैं। फाइनेंस ट्रैक में फाइनेंस मिनिस्टर्स और अलग अलग देशों के सेंट्रल बैंक्स पॉलिसी डिस्कस करते हैं, जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज, फाइनेंशियल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, रेमिटेंसेस अक्रॉस द वर्ल्ड, फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज, ग्रीन फाइनेंस एंड एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग। और शेरपा ट्रैक में डिप्लोमैट्स फॉरेन पॉलिसी डिस्कस करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, एंटी करप्शन मेजर्स, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ केयर। भारत का प्लान यह है कि अगले एक साल में 200 से ज्यादा मीटिंग्स होने वाले हैं जिसमें 32 सेक्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे। भारत इस साल G20 का प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट होने की वजह से हमारे पास कुछ पावर्स हैं। फॉर एग्जांपल, भारत उन कंट्रीज को इनवाइट कर सकता है जो G20 का हिस्सा नहीं। इस एक मूव से दूसरे देशों से अच्छी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने में मदद होती है। भारत ने UAE को एज अ गेस्ट इनवाइट किया। UAE भारत का एक काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर। साथ ही साथ बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नेदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन जैसे देशों को भी भारत ने G20 का हिस्सा बनने का इनविटेशन भेजा है। हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर आज के हमारे फेवरेट मिनिस्टर्स में से एक है। उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट किया कि भारत दुनिया के ग्लोबल साउथ का लीडर बनकर उभर रहा है। ग्लोबल नॉर्थ में कई वेस्टर्न डेवलप्ड देश आते हैं और ग्लोबल साउथ में वो सारे देश है जो अभी डेवलप हो रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने बाली के G20 समिट में कहा था कि मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस फेल हो गए हैं। UN, WHO, WTO ये सारे डेवलप्ड नेशंस यानी ग्लोबल नॉर्थ के ही इशारों पे चलते हैं। भारत आज एक ऐसी सिचुएशन में है कि हम रशिया से बात कर सकते हैं, हम सऊदी अरेबिया से बात कर सकते हैं और हम US से भी बात कर सकते हैं। आर डिप्लोमेसी हैज सीन अ रिवाइवल इन द पास्ट ईयर और हमें इसका एडवांटेज लेना ही होगा। अगला एक साल भारत के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपनी लीडरशिप एस्टेब्लिश करने के लिए, सही मुद्दे उठाने के लिए। चैप्टर 3, Why 2023 is so important for India? बहुत सारे लोग कहते हैं कि G20 की प्रेसिडेंसी तो रोटेशन से मिलती है, तो कभी ना कभी भारत के पास आने ही वाली थी। इसमें बड़ी बात क्या है, भारत ने ये प्रेसिडेंसी पाकर कुछ नहीं उखाड़ा है। एंड पार्शियली दे आर करेक्ट। प्रेसिडेंसी मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, उस प्रेसिडेंसी को हम कैसे यूज करते हैं वो काफी इम्पोर्टेंट है। लेट मी एक्सप्लेन। आज फीफा वर्ल्ड कप कतर में हो रहा है। ये आज तक का सबसे एक्सपेंसिव वर्ल्ड कप होने वाला है। ये वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए कतर ने एज ए कंट्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है उससे उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं होगा, बल्कि लॉस ही होगा। तो क्या कतर के लोग पागल है वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वर्ल्ड कप कतर में होना कतर के लिए इम्पोर्टेंट है। इस समय दुनिया की सारी नजरें इस छोटे से देश पर हैं। ये कतर को एक एक्सीलेंट मौका देता है अपनी प्रोग्रेस दुनिया के सामने लाने का, अपने कल्चर से लोगों को रूबरू करवाने का।
भारत की G20 प्रेसिडेंसी भी कुछ ऐसे ही है। इट इज अ चांस फॉर अस टू शो द वर्ल्ड हु वी आर। भारत फेल कैसे होता है ये दुनिया बहुत अच्छी तरीके से दिखाती है। 2021 में दुनिया ने सिर्फ भारत की जलती हुई चिताएं देखी। जब एक देश के बारे में सिर्फ नेगेटिव चीजें ही दिखती है तब ऐसा इम्प्रेशन बनता है कि उस देश में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। लेकिन सच तो ये है कि हम ग्रीन एनर्जी में काफी एडवांसेस कर रहे हैं। हमारा फिनटेक दुनिया में सबसे एडवांस्ड है, लेकिन हम हमारे एडवांसेस दुनिया को दिखाते ही नहीं, फोकस करते हैं सिर्फ हमारी कमियों पे। और G20 के माध्यम से हम पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं कि हम सिर्फ एक बड़ा मार्केट नहीं, हम एक कॉम्पिटिटिव फोर्स है जो दुनिया को हिलाकर रख सकते हैं। 2022 में ग्लोबल ऑर्डर पलट गई। कोविड की वजह से, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से दुनिया में कई इश्यूज सामने आए। यूरोप के देशों में एनर्जी सिक्योरिटी नहीं है, इसीलिए वो कोल, ऑयल, गैस ऐसे डर्टी फ्यूल्स यूज कर रहे हैं। यूक्रेन और रशिया दोनों ही वीट के टॉप प्रोड्यूसर्स हैं, और इस सिचुएशन की वजह से दुनिया भर में फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू चल रहा है। देयर हैज नेवर बीन अ टाइम व्हेन वर्ल्ड्स इनइक्वालिटीज वर मोर विजिबल। दूर से देखे तो साफ नजर आता है, सम कंट्रीज रन द वर्ल्ड एंड नाउ दे आर स्केयर्ड, क्योंकि उनका डोमिनेंस खतरे में आ रहा है और वो उस डोमिनेंस को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए डेवलप्ड देश क्लाइमेट फाइनेंसिंग से पीछे हटते हैं, क्योंकि वो सारे फ्लड्स, हीट वेव्स, साइक्लोन्स उन्हें तो हिट करने वाले हैं ही नहीं, और उनके पास बहुत सारा पैसा है, और जिसके पास पैसा है उसके पास सिक्योरिटी है। आज भारत को एक मौका मिला है इन सारी चीजों को सामने लाने का, अपनी कहानी खुद दुनिया तक पहुंचाने और इक्विटेबल सॉल्यूशंस की दिशा में टॉक्स को ले जाने का। कुछ ही दिनों पहले भारत में एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई, जहां अलग अलग पार्टीज के सारे लीडर्स मिले। तब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ आया कि इंटरनल पॉलिटिक्स में अलग अलग पार्टीज ऑपोजिशन हो सकते हैं, लेकिन दुनिया के सामने एज अ यूनाइटेड भारत आना होगा, क्योंकि इसी में देश के सिटीजन का फायदा है। उदयपुर में हाल ही में सबसे पहली G20 मीटिंग हुई, जहां अलग अलग देशों के शेरपाज ने हमारे वाइब्रेंट कल्चर के साथ साथ हमारे डिजिटल पेमेंट्स रेवोल्यूशन को भी एक्सपीरियंस किया। इंटरनेशनल डिग्नेटरीज ने UPI यूज करके पेमेंट करके देखा, उन्होंने जाना कि UPI कितना सिंपल है। इस एक सिंपल सी मूव की वजह से शायद UPI को इंटरनेशनल बनने में हेल्प होगी। सच में UPI को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन ये एक रेवोल्यूशन है। वसुदैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, भारत ही हमेशा कहते आया है, और आज इस बड़े फैमिली को होस्ट करने की जिम्मेदारी हम सब की है। अब हम इस अपॉर्चुनिटी का कैसे इस्तेमाल करते हैं, इस पर निर्भर करता है कि भारत के अगले 10 साल कैसे होने वाले। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये प्रेसिडेंसी एक प्रेसिडेंसी ऑफ होप है। क्योंकि आज भी कई सारे लोग हमें एक स्नेक चार्मर्स का देश मानते हैं, अब हमें मौका मिला है इस बदलते हुए देश का एक नया रूप लोगों के सामने लाने का। ये मौका है हमारे सारे डिफरेंसेस भुलाकर एक पॉजिटिव मैसेज दुनिया तक पहुंचाने का, और यही इम्पोर्टेंट बात, आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।